आदिवासी सेंगेल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आदिवासी को वोट लेकर आदिवासी को ठगने लूटने का आरोप जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया। कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देने के नाम पर शिबू हेमंत परिवार पर बरसे सालखन मुर्मू। आदिवासी सेंगेल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में पूर्व सांसद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद जेएमएम सिब्रुमो शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला किया। पूर्व सांसद ने कहा कि आदिवासियों को ठगने लूटने का काम सोरेन परिवार ने सबसे अधिक किया है। 40 वर्षों से शिबू सोरेन राजनीति में हैं। इस दौरान विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, कोयला मंत्री, मुख्य विपक्षी नेता रहे, लेकिन आदिवासी समाज का कोई भला नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन एवं सीएम हेमंत सोरेन पर पिछले कई दशकों से आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 बार झामुमो का शासन रहा, लेकिन आदिवासी समाज के उन्नयन की दिशा में कार्य नहीं हुआ। आदिवासी समाज में व्याप्त नशापान, अंधविश्वास, गायन प्रथा, वोट की खरीद बिक्री, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और गांव समाज में चालू आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम पर जनतंत्र और संविधान विरोधी क्रियाकलापों को रोकने की जगह बढ़ाने में झामुमो ने योगदान किया है। जमीन जंगल को बचाने की बात कहने वाला जेएमएम जमीन लूटने का काम कर रही है। सालखन मुर्मू ने कहा कि मांझी परगना महाल मानकी मुंडा समिति झामुमो की बी टीम की तरह काम करती है। कुर्मी महतो को एसटी में शामिल करने के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करना वास्तविक आदिवासियों के साथ धोखा है, फांसी का फंदा है। आज कुर्मी को एसटी बना देंगे, कल अन्य जातियां इस तरह की मांग करेगी तो मूल आदिवासी जाएगा कहां। वहीं 1932 खतियान आधारित नीति के नाम पर केवल झुंझुना थमाने, सरना धर्म मान्यता लंबित रखने आदि के मुद्दों के लिए झामुमो को दोषी ठहराया। सालखन ने कहा कि झामुमो और तमाम आदिवासी विरोधी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष को निर्णायक बनाने के लिए भाजपा का सहयोग लिया जा सकता है, बशर्ते भाजपा सरना धर्म कोड को मान्यता दे। सेंगल 30 नंबर को सरना को धर्म कोड के लिए 5 प्रदेशों में रेल रोड चक्का जाम करेगा। मंत्री की और प्रधानमंत्री बनना बाकी रह गया। अब राज बनने के 22 वर्षों में पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, सदैव विरोधी दल का नेता भी जेएमएम के हाथ में ही रहा। लेकिन ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है सोरेन खानदान या परिवार के द्वारा संचालित, इसने आदिवासियों का सबसे ज्यादा वोट लिया और आदिवासियों को सबसे ज्यादा धोखा दिया। भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास, ऐसे जो मुद्दे हैं, असामान्य भूमि होता है, तो इन सारे मुद्दों पर उल्टा काम किया। जमीन बचाने की जगह जमीन लूटने लुटवाने का काम किया। सीएनटी एसपीटी कानून को बाप बेटा दो दो बार तोड़ा। भाषा संताली भाषा भारत देश में पहली आदिवासी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, एकमात्र आदिवासी भाषा है। जब मैं सांसद था बहुत प्रयास किया अटल जी आडवाणी जी के सहयोग से इसको कराया। इस भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा मिल सकना चाहिए, तो ये नहीं करते हैं। सरना धर्म के मामले में भी टाल मटोल का मुद्दा है, फिर डोमिसाइल आरक्षण नियोजन नीति, ये तो छलावा है झुंझुना 1932 का थमाया हुआ है। तो किसी भी मुद्दे पर इन्होंने आदिवासियों को जो देना चाहिए नहीं दिया। दूसरा पक्ष है कि आदिवासी समाज में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, वोट को हणिया, दारू चकना, रुपयों में खरीद बिक्री करना, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, और आदिवासी का हर गांव समाज में एक आदिवासी मुखिया होता है, माने उसको ट्राइबल चीफ 10 इंग्लिश में बोलेंगे, वो चूंकि वंश परंपरागत होता है तो 99% लोग अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून कुछ नहीं समझते हैं। इन लोगों को जुर्माना करते हैं, सामाजिक पेशकार, डाइन के नाम से माना, तो सारी चीज शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या जेएमएम को पता है। तो ना जमीन दिया, ना नौकरी दिया, ना भाषा, ना धर्म, ना रोजगार, ना समाज में ये सारी चीजों में सुधार लाया। तो कहने का है
गुरुजी और जेएमएम पार्टी 40 साल से आदिवासियों का वोट ले रहा है, मगर 40 साल से आदिवासी को बेकूफ बना रहा है। अभी लेटेस्ट बेकूफ और खतरा जो है, ये जो कुर्मी महतो को आदिवासी बनाना, ये एक गंभीर मामला है। इसके लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम का सब एमएलए एमपी 8 फरवरी 2018 को साइन किया, और बीजेपी का जो सीएम था रघुवर दास, उसको ज्ञापन दिया। तो हमारा कहना है, ये लोग आदिवासियों के सबसे बड़े शत्रु हैं। आदिवासियों को अपने वोट के लालच के लिए, नोट और वोट की राजनीति के लिए ऐसा काम करके एक प्रकार से हमारा बंधाधार कर रहे हैं, हमको बर्बादी के कगार पर खड़ा करना है।